में जहर घोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करने के लिए रविवार को विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं ने संयुक्त रूप से गोरखपुर रेलवे स्टेशन के समीप सड़कों के किनारे पौधारोपण किया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, डॉक्टर आर ए अग्रवाल, सुधा मोदी सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया और कहा कि पौधारोपण को भी उत्सव की तरह मनाएं और अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं, जिससे लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि सिर्फ वृक्ष लगाना ही अपना कर्तव्य ना समझें बल्कि उसे बचाएं भी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा करें कि आपका शहर बढ़िया खूबसूरत बने, इस प्रकार की सोशल एक्टिविटी होती रहे, तो मेंटेन करना, पौधों को जीवित रखना एक सबसे बड़ा कार्य है खाना है। और वृक्ष भी वो लगाने जो फलदार और बड़े छायादार वृक्ष, फायदा नहीं होता, मेरा अपना इस प्रकार का सोचना है। तो बड़े बड़े पेड़ लगाने और पर्यावरण भी हमारा उसमें सुधार हो। बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हैं, हमको अगर आने वाले 20 साल में देखेंगे तो मुझे लगता है कि परसों हम लोग जब बच्चों को प्रोग्राम में गए थे तो माननीय महापौर जी ने बताया 3% बता रहे मेरे साहब कि 3% जो एरिया है वो ग्रीन है, बाकी जबकि कम से कम 14% होना चाहिए मिनिमम 14%, और अगर उनको नॉर्मल अगर होना चाहिए तो 1/3 होना चाहिए किसी भी शहर में देश में। 33% वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, जंगल होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन जो पेड़ लगाए जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, बच्चे जरूर हर बच्चे को कम से कम एक पेड़ लगाएं, अभी छोटी उम्र है उनकी, उसको बढ़ते देखेंगे जो 10 साल के बाद उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये पेड़ मैंने लगाया था, देखो आज इतना बड़ा हो गया, मैंने आम का पेड़ लगाया या नीम का लगाया या इस प्रकार से या जामुन का पेड़ लगाया, बड़े बड़े वृक्ष लगाए, तो उसको देख करके आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा सबसे अपील यही है कि अपने शहर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, नालियों पर अतिक्रमण न करें। सबसे बड़ी चीज़ कूड़ा बिल्कुल इधर उधर न फेंकें, लिटरिंग भी जो बिल्कुल बंद कर दिया जाए, नो लिटरिंग जोन बना दें पूरे शहर को, कि हम विश्वास सबको दिलाएं कि हम खुद फेंकेंगे न दूसरे को फेंकने देंगे शहर में पूरा। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि पृथ्वी द्वारा स्वर्ग पे बोलने का अथक प्रयास केवल एक पेड़ है। तो आइए आज हम संकल्प कर लेते हैं कि हम अपने जीवन में हर पहलू को एक उत्सव बनाएंगे और हर उत्सव में एक पौधा लगाएंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो हमारा मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं जानते होंगे, हमारी सुधा बहन जी अच्छी तरह से इसे समझा भी रही थी। तो जितने भी हम सांस लेते हैं और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, उसको शुद्ध करने का काम प्राकृतिक रूप से हमारे पेड़ पौधे ही करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और हम सांस लेने लायक भी नहीं रहेंगे। वृक्षारोपण दिवस में मैं बहुत हर्ष अपने आप को महसूस कर रही हूँ और हमारे इनर व्हील रोटरी युगल नई दिशा अग्रवाल महिला मंडल को सबको लेके डॉक्टर आर ए अग्रवाल जी ने ये अभियान चालू किया है। मैं उनकी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ कि एक पेड़ लगाइए और एक आशा को उजागर करिए, क्योंकि जीवन को अगर हम उत्सव बनाएंगे, हर पल को उत्सव बनाइए और हर उत्सव में आप एक पेड़ लगाइए, जिससे कि गोरखपुर एक तीर्थ स्थान बन जाए और गोरखपीठ की जो धरती है सभी के लिए एक यादगार लगे। एक पेड़ लगाएं और जीवन को जीवंत करें।
धन्यवाद। की अध्यक्ष शोभना अग्रवाल, आज वृक्षारोपण के लिए हम सारे संगठन जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वृक्षारोपण एक बहुत ही परोपकारी काम है। हमारी धरती पर वृक्षों की कमी हो रही है, इसी कारण जो है धरती सूखी जा रही है। धरती पर जैसे भागीरथी पानी को वापस लेकर आए थे गंगा, उसी पानी रूपी को गंगा के रूप में हमको वापस लाना होगा। यही हम सब लोगों का आज यहाँ पर प्रयास है। धन्यवाद। अनुराग अग्रवाल, रोटरी क्लब गोरखपुर युगल, वृक्षारोपण और पर्यावरण शुद्धिकरण की ओर कृत संकल्पित है और ये बात सही रहा। इस वर्ष में उन्होंने ये संकल्प लिया है कि शहर में कम से कम 1000 पौधे वो वृक्षारोपित करेंगे और उनको संरक्षित करेंगे, ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ पर उनकी प्रॉपर देखभाल हो सके, खाद पानी उनको दिया जा सके, जीवित रहें वो जिससे। तो ये हमारे रोटरी क्लब गोरखपुर का संकल्प है, युगल का संकल्प है और इसको हम आगे भी चलाते रहेंगे। एक निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर साल हम कम से कम 200 से 250 पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाते नहीं, उनको पूरा हम लोग ध्यान देते हैं, उनको बचाते हैं और करीब 12,500 पेड़ लगा चुके हैं। मेरा लक्ष्य कि पेड़ लगाना, आपने सुना अखबार में पेड़ लग गए, पेड़ लगाना क्या है, उसको आप बचाइए। जो भी पेड़ लगाइए वो एक बच्चे की तरह है और हम लोग माँ बाप की तरह हैं, तो पेड़ को बचाना ये हमारा कर्तव्य है और यही मैं नगर वासियों से चाहूँगा कि पेड़ को लगाएं तो बचाएं, नहीं तो ना लगाएं। आर्य अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज नगर निगम के हमारे अंजनी कुमार जी नगर आयुक्त और अपर आयुक्त, चीफ इंजीनियर सुधा मोदी जी और हमारे सभी शहर के सम्मानित अग्रवाल समाज के लोग ने एक अभियान चलाया है प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए पेड़ लगाने का। अग्रवाल जी हमारे 12,500 पेड़ गोरखपुर में लगा चुके हैं और सारे पेड़ जीवित हैं। अगर हम आगे अपने बच्चों को स्वच्छ सुंदर प्रकृति और हवा देना चाहते हैं तो पेड़ के प्रति सभी को जागरूक होना पड़ेगा और प्रकृति को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए हमें पेड़ लगाना ही पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाए तो बहुत बड़ी संख्या में हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के साथ साथ उसका संरक्षण भी होना चाहिए, इसमें समाज के लोग जुड़ रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और गोरखपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसी के साथ, ये सावन का महीना है, यह प्रकृति का सबसे ही खूबसूरत महीना है, जहाँ पर प्रकृति में उल्लास होता है, व्यक्ति में उल्लास होता है। इसी उल्लास को देखते हुए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। इसका संरक्षण की जिम्मेवारी भी नगरवासियों की है, इसके लिए समर्पित होकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा।